लखनऊ से कृष्णानगर क्षेत्र स्थित आजाद नगर में निर्धारित रूट से आशियाना थाना क्षेत्र के बंगला बाजार करबला के लिए रवाना हुआ मुहर्रम का जुलूस। मौके पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एसीपी कृष्णानगर विनय कुमार द्विवेदी ने थामी थी कमान। जुलूस में ताजियादारों ने शांति एवं सादगी का दिया परिचय तो पुलिस ने ली राहत की सांस। मौके पर कृष्णानगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रद्युमन सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल की देखी गई सक्रियता। बता दें कि आलमबाग क्षेत्र के सरदारी खेड़ा एवं सुजानपुर का जुलूस जब पहुंचा आजाद नगर तो यहां का जुलूस शामिल होकर रवाना हुआ करबला के लिए। जुलूस में कहीं लोग मातम करते दिखे तो कहीं लठ चलाते। जुलूस में छोटे बड़े कुल 100 से अधिक ताजिया लिए ताजियादारों ने हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया। जैसा कि आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर में ताजियादारों द्वारा बड़ी संख्या में ताजिया निकाली गई है। आज मुहर्रम है और आपको बता दें कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत में यह त्यौहार मनाया जाता है। उन्होंने इराक के शहर करबला में अच्छाई के लिए लड़े गए जंग में अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। उनके साथ कई साथी उनके मारे गए थे। तब से इमाम साहब के याद में ये गमी का त्यौहार है। मुस्लिम समाज के लोग और हिंदू भाई सब एक साथ मिलजुल कर राजधानी लखनऊ में यह त्यौहार मनाए जाते हैं। आज़ाद नगर की बात करें तो यहाँ पर गंगा यमुना तहजीब के एक मिसाल यहाँ पे हिंदू मुसलमान कायम करते हैं और जिस तरह से आज बड़े शांति ढंग से जुलूस आज यहाँ का ताजिया का निकला हुआ है, वाकई यह राहत की बात है। और यह जुलूस यहाँ से पकरी पुल होते हुए करबला बंगला बाजार स्थित करबला में जाएगी जहाँ ताजिया को दफन किया जाएगा। उसके बाद यह त्यौहार समाप्ति की ओर जाएगा। और इसी क्रम में आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं और शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन जहाँ गंभीर है वहीं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता समिति के लोग उनके लोग यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि भीड़ की जाम की स्थिति न उत्पन्न हो और यह भाईचारे का त्यौहार गमी का त्यौहार हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की याद में यह त्यौहार बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत।